हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि है पिक अ कार्ड। मेरे पास यहाँ पे दो पायल्स हैं, पायल वन पायल टू। लेट मी शो यू द कार्ड्स। पायल डायमंड और पायल रोज। आपको जो भी पायल चूज करना आप चूज कर सकते हो, डायमंड या फिर रोज। पायल नंबर वन पायल नंबर टू आपको जो भी चूज करना आप चूज कर सकते हो। टॉपिक रीडिंग का है कि आपका स्पेसिफिक समवन जो भी है जिससे आप डील कर रहे हो, चाहे वो करंट है, एक्स है, जो भी है, जो जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। दोनों पायल्स में से आप एक पायल एक ही पर्सन के लिए चूज़ करोगे। अगर आपके माइंड में दो लोग हैं या आप दो लोगों से डील कर रहे हो, तो आप डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पायल चूज़ कर सकते हो। बट एक पर्सन के लिए ही दोनों पायल्स चेक नहीं करो, क्योंकि सिर्फ कन्फ्यूजन होगी और कुछ नहीं होगा। सो अगर आप जानना चाहते हो कि क्या कहना चाहता है आपका स्पेसिफिक समवन, इसमें मैंने टैरो से भी आंसर लिया है और साथ में मैसेजेस भी इंक्लूड किए हैं, साथ में ओरेकल गाइडेंस भी है, साथ में क्या मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आ सकती है अपने पर्सन के साथ, वो भी उसके लिए भी कार्ड पुल आउट किया है। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, फिर बहुत से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग पायल नंबर वन से, जो कि है डायमंड वाला पायल। सो जिन लोगों ने डायमंड पायल चूज किया, लेट्स सी के आपका स्पेसिफिक समवन आपसे क्या कहना चाहता है। पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में ओरेकल कार्ड्स और मैसेजेस इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका स्पेसिफिक समवन आपसे। पेज ऑफ पेंटिकल्स पेयर अप विद द डेथ। आपका पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो आपसे कहना चाहता है कि इट्स सीम्स लाइक कि कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वो बहुत काम कर रहा था या कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो चीज़ इसको बहुत जल्द रियलाइज़ करवाएगी आपकी वर्थ। इट्स मोर लाइक कि कुछ ऐसा था जिसके ऊपर ये अपना टाइम अपनी एनर्जी जो है वो दे रहा था, चाहे वो इसकी फैमिली थी, चाहे वो इसका काम था, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी था उस चीज़ ने इसको ज़रूर बदला है। और ये आपसे कहना चाहता है कि इस जो भी फेज से ये गुजर रहा है या गुजरा है इन रिसेंट टाइम्स, उस फेज से इसने बहुत कुछ लर्न किया है। और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आपका पर्सन अपने ट्रू इमोशंस को एम्ब्रेस नहीं कर रहा था, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है, मुझे लगता है कि अब उसको उन चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है। आपका पर्सन आपको लेकर और आपके कनेक्शन को लेकर मुझे लग रहा है कि कोई एक स्टेबल मूव फॉरवर्ड लेना चाह रहा है, लेकिन अभी राइट नाउ वो उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है जहाँ पे वो चीज़ें रियलाइज़ कर रहा है, स्लोली बट श्योरली वो चीज़ें रियलाइज़ कर रहा है। और वो आपसे कहना चाहता है कि इट सीम्स लाइक कि जैसे आपसे कहना चाह रहा हो कि जो भी चीज़, जो भी पर्सन, जो भी सिचुएशन थी जिसको उसने आप पर प्रायोरिटी दी, वो अब उसकी उस चीज़ को रिग्रेट करता है। और शायद राइट नाउ आपका पर्सन इज मॉर्निंग ओवर दैट लॉस, एक दुख में है, एक परेशानी में है उस चीज़ के बारे में जब वो सोचता है। तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली अगर तो ये पर्सन कैरियर की वजह से आपको इग्नोर कर रहा था या काम की वजह से इग्नोर कर रहा था, मुझे लग रहा है कि उसका वो गोल, उसका वो टारगेट, उसका वो जो भी कर रहा था, जिसमें भी टाइम इन्वेस्ट कर रहा था आपको इग्नोर करके, उसको वो हो गया, उसका वो काम हो गया, उसका वो गोल अचीव हो गया, लेकिन अब वो उस चीज़ से खुश नहीं है। सो वो सैटिस्फैक्शन जो इसको लग रहा था कि इसको मिलेगी, वो इसे नहीं मिली उस चीज़ से। सो देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहता है। अगर तो आप एक्स के साथ डील करो, लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहता है। नोबडी कैन एवर लव मी लाइक यू डू, आई वैल्यू यू। मुझे लगता है कि अब वो आपको ज़्यादा वैल्यू करता है जैसे पहले था, वैसी सिचुएशन नहीं रही। और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इसका एक एक साइकिल जो था, मे बी कामिक साइकिल में हो सकता है आपका पर्सन चला गया हो बिकॉज ऑफ जिस चीज़ को भी वो प्रायोरिटाइज कर रहा था, तो हो सकता है कि उसने अब लेसन जो हैं वो लर्न कर लिए हैं
और अब उसको रियलाइज हो रहा है कि आप जैसा प्यार अगर उसने किसी और को चूज किया था तब भी, और अगर आपको छोड़कर कुछ भी चूज किया था, उसको रियलाइज हो रहा है कि वो एक मिस्टेक थी, और कोई भी पर्सन उसको आप जैसा प्यार नहीं कर सकता, चाहे वो कोई और पर्सन था, चाहे वो एक इनर सेटिस्फेक्शन थी जो आपके प्रेजेंस में उसको फील होती थी, वो मिस कर रहा है उस चीज़ को. वी नीड टू लेट ईच अदर गो. मुझे लगता है कि हो सकता है कि पास्ट में इसने आपको ये कहा हो कि आप दोनों को बेसिकली एक दूसरे को छोड़ देने की ज़रूरत है. हो सकता है कि इसने आपको खुद अपने से दूर किया हो, लेकिन अब वो उस चीज़ को रिग्रेट कर रहा है. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए राइट ना हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आपका पर्सन आपको कहेगा कि या कहना चाहता है कि मुझे मेरी लाइफ में मुझे मेरा फोकस किसी और चीज़ पे देना है. अगर ऐसा हो रहा है तो नो वन थिंग कि ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि ये जिसके लिए भी अपने आप को आपसे दूर कर रहा है, चाहे वो पर्सन है चाहे वो सिचुएशन है, ये उस चीज़ को रिग्रेट करते हुए आपके पास वापस आएगा. काफ़ी हद तक मेजॉरिटी लोगों के लिए ये एक कार्मिक साइकिल में जा रहा है आपका पर्सन, और वो आपसे कहना चाहता है कि शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की करंट मैसेज आपके लिए ये हो सकता है कि शायद हमें एक दूसरे को छोड़ देने की ज़रूरत है. छोड़ोगे तब भी, छोड़ चुके हो तब भी ये पर्सन वापस आना वापस ज़रूर आएगा. लेट्स सी मोर मैसेजेस. और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन? आई लव टॉकिंग टू यू ऑल द टाइम. आपका पर्सन आपसे बात करना उसको पसंद है. अगर आपसे बात नहीं करता तो उसको आपका उससे बात करना पसंद हो सकता है. माई लव फॉर यू इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड डीपर. स्लोली बट श्योरली इसके दिल में आपकी जो जगह है वो और स्ट्रांग हो रही है. इसकी फीलिंग्स और ज़्यादा डेवलप हो रही हैं आपको लेकर. लेट्स सी और क्या कहना चाहता है. मे बी वी आर सो डिफरेंट बट मे बी वी कुड स्टिल मेक इट हैपन. हम शायद बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन स्टिल वी कैन मेक इट वर्क. शायद पहले ये चीज़ ये अंडरस्टैंड नहीं करता था, इसीलिए ये आपको कहता था कि मे बी हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए. जब ये छोड़ेगा, जब ये जिस चीज़ के लिए भी आपको छोड़ रहा है जब वो कर देगा या कर चुका है, तो अब उसको आपकी वर्थ आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है और वो रिग्रेट कर रहा है उस डिसीजन को. आई कांट वर्ड माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू. ये अपने दिल की बात जो है ये आपसे नहीं कह सकता. इसको नहीं समझ आता कि मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूँ कि आप उसके लिए क्या मायने रखते हो. लेट्स सी कि आप क्या ओरेकल गाइडेंस क्या है. पैशन अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट एन्जॉय इट. मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका कनेक्शन काफ़ी सेक्सुअल रहा होगा. आपके पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिवली अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं की, और अब वो जब आप शायद सेपरेट हो चुके हो या इसने आपको कर दिया है खुद से दूर, तो अब ये रियलाइज़ कर रहा है और स्लोली बट श्योरली इसकी जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा होती जाएंगी, और उसके बाद ये रिग्रेट करते हुए आपके पास ज़रूर वापस आएगा. तो लास्ट देखते हैं कि क्या मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ आने वाली है आने वाले टाइम के अंदर. व्हील ऑफ फॉर्चून. चीज़ें ऐसी बदलेंगी आपके हक में बेहतर होंगी जैसे मैजिक हो, जैसे आप अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए वो सारी शिफ्ट होगी इस कनेक्शन को लेकर इस पर्सन के अंदर, जो शायद आप राइट नाउ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो. चाहे इसने अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ा, चाहे इसने अपने काम के लिए आपको छोड़ा, चाहे इसने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ा, ये आपकी शायद सोच होगी कि ये इम्पॉसिबल है, हमारा वापस मिलना हमारा वापस आना शायद इम्पॉसिबल है. लेकिन द व्हील इज़ गोइंग टू टर्न इन योर फेवर. आपके फेवर में व्हील टर्न होगा और आप जो चाहते थे आपके पर्सन के साथ आपको वो मिलेगा. शायद अगर आप पहले इसके साथ होते तो ये आपको वैल्यू नहीं करता. अब जब ये आपके पास आएगा तो इसको दुनिया का पता है कि कहाँ किस तरह के लोग होते हैं और आप कितना इसमें इन्वेस्टेड थे, कितना ट्रूथफुल थे, इसके साथ कितना लॉयल थे. वो चीज़ें इसको आपके पास वापस लेके आएंगी जहाँ पे शायद अगर ये पहले कहता था कि हम तो कभी साथ नहीं हो सकते, वो चीज़ अब इसको एक लेसन इसने लर्न कर लिया है कि एक दूसरे को का डिफरेंट होना डजन मीन कि हम चीज़ें एक साथ लेके नहीं चल सकते. हम मे भी एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं कनेक्शन में. तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसको रियलाइज़ ज़रूर होगा इस कनेक्शन को लेकर, जिसके बाद ये वापस आएगा आपकी तरफ. लेकिन डेफिनेटली मेजर शिफ्ट आएगा आपकी लव लाइफ में और व्हील ऑफ लव जो है वो आपके फेवर में टर्न होना शुरू हो जाएगा. सो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल. एक सेकेंड, पहले एक कार्ड्स हम पिकअप कर लें यहाँ से. सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल जो कि है रोज पाइल. जिन लोगों ने रोज पाइल चूज किया, तरा लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए. टैरो से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर दूसरे कार्ड्स इंक्लूड करेंगे. क्या कहना चाहता है आपका स्पेसिफिक समवन आपसे, लेट्स फाइंड आउट.
टू ऑफ सोर्ड्स पेयर अप विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको पता है कि उसे कुछ डिसीजंस लेने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उन डिसीजंस को लेने के लिए और उनको परस्यू करने के लिए, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए उसके पास टाइम नहीं है. तो आपका पर्सन काफ़ी हद तक बिजी हो सकता है अपनी करंट सिचुएशन में. मुझे नहीं लगता कि इसकी लाइफ में फैमिली या दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस है ज़्यादा. इट सीम्स लाइक कि उसने ख़ुद को अपने लिए अपने कुछ डिसीजंस जो हैं वो डिले कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ रुकी हुई है आपके पर्सन की वजह से. आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि अल्टीमेटली फाइनली क्या डिसीजन लेना इसके लिए बेहतर है या इसको क्या चूज़ करना है. इसको अच्छे से पता है, इसको इनर नोइंग है, लेकिन ये फिर भी वो डिसीजन पेंडिंग पे रख रहा है. कहीं ना कहीं कह रहा है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मैं ये कनेक्शन में ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता. इट्स मोर लाइक अ सेल्फ इम्पोज ब्लॉक. रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है, ना इसकी फैमिली का प्रेशर है, ना ही इसके ऊपर किसी और चीज़ की तंगी है कि ये शायद फाइनेंसेस नहीं है इसलिए आपसे आपका कनेक्शन आगे नहीं ले जा रहा, या कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहा. कुछ ऐसा नहीं है. इसने खुद से अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि नहीं, ये कनेक्शन को अभी मैंने उस तरह से सीरियस नहीं लेना, या फिर हम इस कनेक्शन को इस लिमिट तक ही रखें तो बेहतर है. कहीं ना कहीं इसको दिल में पता है कि ये क्या चाहता है आपके साथ, क्या कनेक्शन चाहता है आपके साथ, लेकिन ये उस इनर नोइंग को या उस इनर कॉलिंग को जो है वो सुनने के लिए रेडी नहीं है. हो सकता है कि ये बेसिकली ये आपका पर्सन आपसे झूठ बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अभी ये डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे इस डिसीजन के लिए मुझे टाइम चाहिए. अगर ये चाहे तो ये इस टाइम पे भी ये डिसीजन ले सकता है, लेकिन आपका पर्सन आपको एक वेटिंग पे रखते हुए खुद से वो डिसीजंस जो हैं वो जो इसको ले लेने चाहिए थे अब तक वो डिले कर रहा है. सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपसे कह रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूँ इस पूरे सिचुएशन में इस कनेक्शन को लेते हुए, या फिर आप डिटैचमेंट में हो या बातचीत कर रहे हो. कहीं ना कहीं इसका दिल आपकी तरफ आता है कि आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, चीज़ों को आगे लेकर चले, लेकिन ये अपने आप को रोकता है और ड्रामे करता है कि ये आपके साथ जो भी कनेक्शन है उसको फ़िलहाल टाइम नहीं दे सकता. अगर चाहे तो दे सकता है, बट खुद से पर्पसली नहीं दे रहा. क्यों नहीं दे रहा वो उसको पता होगा कि क्यों नहीं करना चाह रहा. शायद उसके माइंड में कुछ मेंटल ब्लॉक्स हों कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, लेकिन कुछ ऐसा है जो इसका खुद का बनाया हुआ है, खुद का क्रिएट किया हुआ है, जिसमें लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं है. लेट्स सी कि आपका पर्सन क्या मैसेज देना चाहता है आपको, स्पेशली अगर आप एक्स से डील कर रहे हो. माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट मे सीम. ये आपसे कहना चाहता है कि इसकी लाइफ वैसी परफेक्ट नहीं है जैसे शायद आपको लगती है. शायद आपको लगता है इसकी लाइफ इज़ रॉकिंग, सब कुछ परफेक्ट है. ऐसा नहीं है. शायद इसकी लाइफ में हो सकता है कि ये दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा सोचता हो. अगेन, इट्स अ सेल्फ इम्पोज ब्लॉक. ऐसा नहीं है कि इसको कोई मना कर रहा है कि शादी नहीं करो, कमिटमेंट नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो. इट्स मोर लाइक कि शायद ये दूसरों का बहुत ज़्यादा सोचने की इसको आदत हो. शायद ये घर में बड़ा हो, शायद ये घर में इस तरह से हो जो कि ज़्यादा सेंसिटिव हो टुवर्ड्स फैमिली, आपको लेकर नहीं, फैमिली को लेकर. तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से इसको इसने खुद को हो सकता है इसकी लाइफ में या इसकी सिबलिंग्स में कुछ ऐसा हो जो कि हैप्पी नहीं है राइट नाउ. तो ये नहीं चाहता कि ये अपना अपनी खुशी इस मौके पे अपनी फैमिली के साथ शेयर करे जबकि फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हो. सो वो चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन सेल्फ इम्पोज ब्लॉक है. इसके खुद की माइंड में सोची हुई बातें और उसके बाद अपने ऊपर ये ब्लॉक लगाना कि नहीं, अभी मुझे शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है. जबकि टाइम है, सोचना भी है, सोचता भी है, बट एट द सेम टाइम कनेक्शन को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहा. क्योंकि इसकी लाइफ में चीज़ें उस तरह से परफेक्ट नहीं है जैसे शायद आपको लगता है. आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आर कनेक्शन. आहिस्ता आहिस्ता इसको डेफिनेटली अंदाज़ा हो रहा है कि आपका कनेक्शन और इसका कनेक्शन किस लेवल का है. शायद इसको इनिशियली लगता होगा जैसे बाकी इसके अफेयर्स रहे हैं वैसा कनेक्शन है आपका और इसका, लेकिन ग्रेजुअली उसको नज़र आ रहा है, उसको समझ आ रहा है कि कनेक्शन वैसा नहीं है जैसा इसको लगता था. ये कुछ और लेवल है कनेक्शन का. और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन? लेट्स सी. आई डोंट वांट टू लूज यू एवर. ये आपको खोना नहीं चाहता कभी भी, लेकिन एट द सेम टाइम फिलहाल तो जो है ये पर्सन आपको कमिट भी नहीं कर रहा, विच इज़ वेरी एविडेंट. माई फैमिली नोज अबाउट अस. इसकी फैमिली आपके बारे में और आपका जो कनेक्शन है उसके बारे में शायद जानती है, बट समहाउ चीज़ें ये आगे बढ़ाने के लिए रेडी नहीं है. अगेन, मुझे लग रहा है कि शायद इसके जहन में कुछ हैं ब्लॉक्स जो इसको
इसको लगता है कि शायद ये राइट टाइम नहीं है इस कनेक्शन के लिए राइट नाउ. यू नो, हो सकता है इसके जहन में कुछ और हो सकता है चाहता है कि इसकी बहन की, भाई की, फलाने की शादियां हो जाएं, उसके बाद ही अपनी लव लाइफ के बारे में सीरियस होकर सोचे, या कुछ में टारगेट जो है फाइनेंशली वो अचीव कर लूँ उसके बाद में सोचे. सेल्फ इम्पोज ब्लॉक है लव लाइफ. इसकी वजह से जो रुकी हुई है वो इसके अपने दिमाग की जो एक सोच है उसकी वजह से ज़्यादा रुकी हुई है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, या लोगों का इन्फ्लुएंस जो है ये खुद अपनी तरफ ले रहा है. लोग दे नहीं रहे लेकिन ये ओवर थिंक करता है, ओवर थिंकर है, और वो भी गलत सोचना. यू नो, एक होता है ना कि आप पॉजिटिवली अच्छा सोचो तो दैट्स अ गुड थिंग, ओवर थिंकिंग करो गुड गुड हो जाएगा सब कुछ, लेकिन आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव सोचता है और अपने आप को और आपके साथ जो कनेक्शन है उसको और ख़राब करता है नोइंगली या अननोइंगली. और देखते हैं और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन. माई हार्ट सेज टेक एक्शन एंड माई माइंड सेज डोंट. तो बहुत क्लियर मैसेज है अगेन कि ये पर्सन जानबूझकर आपके साथ कनेक्शन को आगे नहीं लेके जा रहा. दिल कहता है कि करो, माइंड कहता है कि नहीं करो. तो अगेन सेल्फ इम्पोज ब्लॉक है. क्यों है ये इसी को पता होगा. आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी. आपका कनेक्शन जो भी है इसके साथ, अगर आप पुल अवे कर चुके हो इस इंसान से, दूर हो चुके हो, तब भी ये आपके बारे में जब भी सोचता है इसको वो अफेक्ट करता है. आपका प्यार, आपकी आपका इसके लिए यू नो पता नहीं क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो इसको लगता है कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई एविड यू नो एक एक क्लियर कट रीज़न नहीं है इसके इस तरह के एटीट्यूड का, तो ये सडनली चेंज भी हो सकता है, सडनली शिफ्ट आ सकती है इसमें. लास्ट ओरेकल कार्ड देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ. फिर लास्ट कार्ड देखते हैं, सीक्रेट एडमायरर समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन. आपको ये कहता तो बिल्कुल नहीं होगा कि इसके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, और हो सकता है कि जो भी आपका पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं. आपका पर्सन ये आप में इंटरेस्टेड है लेकिन शायद इसने कभी अपनी फीलिंग्स जो है वो रिवील नहीं की हैं. क्यों नहीं की हैं? अगेन क्योंकि इसने सेल्फ इम्पोज ब्लॉक रखा हुआ है अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर. मुझे प्यार नहीं करना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, इस तरह की चीज़ें इसने खुद पे थोपी हुई हैं राइट नाउ. इट्स नॉट लाइक कि वो करना नहीं चाहता या उसको चाहिए नहीं है, चाहिए, लेकिन खुद से एक ब्लॉक के जैसे इसने अपने आप को रोका हुआ है. लास्ट कार्ड कि क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ आने वाले दिनों में. द एम्प्रेस, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है इस कनेक्शन में वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली है, चाहे वो आपके एंड से है, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से है. सो मुझे लगता है कि जो ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहता, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से है कि वो चाहता है कि आप उसके बन जाओ, लेकिन एक्शन जो उसको लेना है वो फिलहाल तो नहीं ले रहा, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कोई एक्शन ज़रूर लेगा टुवर्ड्स सीमेंटिंग द कनेक्शन. यू नो, एक कनेक्शन को मजबूती जिससे मिल जाए और कनेक्शन में एक वो चीज़ आ जाए जहाँ पे इसको फियर ना हो आपको खो देने का, वो चीज़ होती दिख रही है मुझे आने वाले टाइम में आप दोनों के कनेक्शन में. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. और टिल द नेक्स्ट रीडिंग, प्लीज गाइज टेक केयर एंड बाय.